शहर हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हल्का नामपल्ली के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान को जबरदस्त शिकस्त देते हुए भारी अक्सरियत के साथ जीतने में कामयाब होकर नामपल्ली हलके की फिजाओं में फिर से एक बार MIM की पतंग को लहरा दिया। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज, हैदराबाद। मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ, उसके साथ साथ नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और नामपल्ली की आवाम का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन्होंने वोट दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला ने मुझे मुंतखब किया है नामपल्ली आवाम की खिदमत के लिए। तो मैं चाहता हूं जो वोट दिए उन्होंने भी मेरे लिए उतने ही है, जो वोट नहीं दिए मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे उनका दिल जमात के लिए जीतने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आखिर क्या मुझ में खामी थी या जमात में क्या खामी है, और मैं तमाम मेरे सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर कारपोरेटर्स उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब का और उनके तमाम साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि नामपल्ली सीट एक चैलेंजिंग सीट हो गई थी जिसके अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स आए हैं जिसमें राहुल गांधी है, चंद्रबाबू नायडू हो या उत्तम कुमार रेड्डी हो या कुटिया जी हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, अजहरुद्दीन हो, कोदंडा राम रेड्डी हो, ऐसे कई लोग आए थे कि नामपल्ली हलके को किसी कीमत पे हासिल कर लेंगे, मगर अल्लाह जिसका साथ देना चाहता है दुनिया की ताकत उसको कुछ नहीं कर सकती। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगु करूँगा आप हजरात से। मैं फिर एक मरतबा नामपल्ली के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।